नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों उच्च पुरापाषाण काल के बारे में। हम लोगों ने उच्च पुरापाषाण काल की विशेषता को देखे थे और हम लोग पूरा इनकी विशेषता को पढ़ लिए थे दोस्तों कि इस समय जो है मनुष्य ने किस तरह से विकास किया था। चलिए दोस्तों, तो हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये बात बता दे, आप लोगों को बता दिए थे कि इसमें आपको पूरा फ्री क्लास मिलेगा, पूरा हिस्ट्री का पूरा फ्री क्लास मिलेगा, पूरा वीडियो कंटिन्यू रेगुलर मिलेगा दोस्तों। आज जो भी दोस्त ये तो इसमें आप लोग जो है कि बीपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, दरोगा के लिए तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसमें आप लोग जुड़ जाएं और कंटिन्यू क्लास करें, मेरा रेगुलर क्लास करें। कहीं भी कोई भी टॉपिक्स आपका छूटेगा नहीं, बेहतरीन क्लास मिलेगा आपको दोस्तों। हाँ, जो भी दोस्त एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए या जनरल कंपटीशन के लिए, अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को पिछले भी क्लास में बता दिए दोस्तों, उसमें भी आपको पूरा फ्री क्लास मिलेगा। आप लोगों को पूरा फ्री क्लास देने के लिए दोस्तों, कोई भी क्लास फ्री नहीं रहता है, लेकिन आपको इसमें पूरा मैथ रीजनिंग, पूरा एडवांस मैथ भी आपको पूरा मिलेगा मैथ वाला में। आप लोग इसमें जुड़ जाएंगे दोस्तों, मैथ वाला, मैथ वाला, मैथ वाला इसमें दोस्तों। और आप मेरा चैनल में इसमें पूरा आप मैथ रीजनिंग पढ़ेंगे और मेरा चैनल सरवन जीएस क्लासेस में पूरा फ्री क्लास हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों। फिर आगे सिलेबस स्टार्ट करेंगे आप लोगों का, जल्द ही जो है वर्ल्ड मैप स्टार्ट करेंगे। और उधर जो भी दोस्त मतलब कि मैथ पढ़ना चाहते हैं इसमें जुड़ जाएं, जो भी मेरा बीपीएससी, पीसीएस या दरोगा देना चाहते हैं दोस्तों, इसमें कंटिन्यू क्लास करें, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी आपको नहीं लगेगा दोस्तों। आप लोगों से कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए सही तरीके से दोस्तों। हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछले क्लास में उच्च पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे और उच्च पुरापाषाण काल में हम लोग मतलब इनकी विशेषता देखे थे दोस्तों कि इस समय में मनुष्य ने जो है इसमें जो है एक नई, इसको तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मनुष्य ने ब्लेड प्रकार की जो है उपकरण इस्तेमाल करने लगा था, इसलिए इसको ब्लेड संस्कृति भी कहते हैं। इसको यहाँ से सबसे पहले जो स्थल प्राप्त हुआ दोस्तों, बेलन घाटी से, यहाँ से बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है, यहाँ से हुआ है सबसे पहला प्रमाण बेलन घाटी से मिला, ये हम लोग चर्चा किए थे दोस्तों पिछले क्लास में, ठीक है। तो ये आपका मतलब जो पूरा स्थल है उच्च पुरापाषाण काल का, पिछले क्लास में नहीं बता पाए थे, इसमें पूरा कंप्लीट देख लीजिए आप लोग। जैसे कि इसमें आपका बेलन घाटी है, आपका ये आपका बेलासुर ग्राम है, इनकी विशेषता भी थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों। जैसे बेलासुर ग्राम का है तो यहाँ से बेलासुर ग्राम से जो है चित्रकारी के प्रमाण मिले, यहाँ से चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं यहाँ से, क्योंकि उच्च पुरापाषाण काल में मनुष्य चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था, आपको पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है। और आपका अब बेलन घाटी से भी दोस्तों यहाँ से जो है लोहदा नाला से यहाँ से अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है, यहाँ से अस्थि का निर्मित यानी हड्डी का निर्मित मूर्ति प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मनुष्य जो है अब क्या हो गया है, मनुष्य कर्मकांडी विचारधारा में विश्वास करने लगा है, मनुष्य काल्पनिक चीजों पर विश्वास करने लगा है, कहीं कहीं अगर वो मूर्ति है तो ना ये। और ये जो पेशरा है दोस्तों, यहाँ से पूजा स्थल प्राप्त हुआ है बिहार से, ठीक है, ये आपका बिहार में पड़ता है, यहाँ से पूजा स्थल प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा आवाज में दिक्कत होगा दोस्तों, थोड़ा तबियत थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए आपको थोड़ा आवाज में थोड़ा भारी लगेगा, ठीक है, लेकिन चलिए धीरे धीरे हम लोग पढ़ ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये उसके बाद आपका झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से भी आपको उच्च पुरापाषाण काल के स्थल मिले हैं, सोन घाटी, ये एमपी का जो स्थल है दोस्तों, एमपी में सोन घाटी, जम्बूद्वीप, बाघोर, भीमबेटका, कुरनूल गुफा, यहाँ से देखे दोस्तों, यहाँ ध्यान में रखिएगा, एमपी का जो ये बाघोर है, यहाँ बाघोर है, लेकिन राजस्थान में एक स्थल आपको मिलेगा आगे दोस्तों, वो बागोर है, वो आगे बताएंगे दोस्तों, यहाँ से बागोर है लेकिन ये बाघोर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो बाघोर एमपी में इसमें उच्च पुरापाषाण काल के स्थल मिले, आगे आपको बाघोर के बारे में बताएंगे दोस्तों, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। तो ये हम लोग देखे थे आपको, यहाँ बताए थे दोस्तों कि यहाँ पतने, भदने और इनाम गांव, यहाँ पतने से जो है शुतुरमुर्ग के अंडा में चित्रकारी का प्रमाण मिला है, यहाँ पे इसका मतलब मनुष्य चित्रकारी करने लगा था। यहाँ तमिलनाडु का कुर्तलियार घाटी के बारे में बता दिए थे, बिस्दी आपका गुजरात में, पुष्कर राजस्थान में, ये उच्च पुरापाषाण काल के स्थल पूरा का पूरा, और इनकी सारी विशेषता आप लोगों को चर्चा कर दिए थे दोस्तों कि कहाँ कहाँ क्या मिला है,
यहाँ बागोर से चबूतरे का प्रमाण मिला है जिसको पूजा स्थल माना गया है, ठीक है, ये सब हम लोग चर्चा कर दिए थे, ठीक है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है, हम लोग जो है पूरा पाषाण काल का तीनों काल पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मध्य पाषाण काल, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। चलिए हम लोग मध्य पाषाण काल को देख लेते हैं, फिर हम लोग पूरा का पूरा मध्य पाषाण काल को हम लोग देखते हैं। अब देखिए, तो हम लोग बताए थे दोस्तों, हम लोग चर्चा किए थे कि इतिहास को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतिहास में जहां जहां मनुष्य के द्वारा किया गया क्रियाकलाप में परिवर्तन दिखाई देता है वहां वहां हम लोग इतिहास को विभाजित कर दिए हैं, वहां वहां इतिहास को विभाजित कर दिए हैं। तो कहीं कहीं उच्च पुरापाषाण काल से मध्य पुरापाषाण काल में परिवर्तन दिखाई देता है दोस्तों, इसीलिए हम लोग इसको विभाजित कर दिए हैं। अब देखिए जो मध्य पाषाण काल है दोस्तों, अब इसमें क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है मध्य पाषाण काल में, चलिए। तो कहा जाता है कि इसको संक्रमण काल भी कहा जाता है, इसको जो है संक्रमण काल भी कहा जाता है। संक्रमण काल इसको क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसमें क्या क्या नई चीजें दिखाई देती है जो इसको संक्रमण, इसको अनुपूरा पाषाण काल भी कहा जाता है, अनुपूरा पाषाण काल भी कहा जाता है, अनुपूरा पाषाण काल भी कहा जाता है, इसको अध नव पाषाण काल भी कहा जाता है, अध नव पाषाण काल भी कहा जाता है, अध नव पाषाण काल, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ जो है नव पाषाण काल की विशेषता जो है मध्य पाषाण काल में ही दिखाई देने लगता है, इसीलिए इसको जो है कि अध नव पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। संक्रमण काल इसको, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों नई चीजें मतलब की दिखाई देने लगता है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्लायोसीन काल में हम लोग जानते हैं कि ये इसको हम लोग 10,000 बीसी से 4,000 बीसी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 10,000 बीसी में दोस्तों 10,000 बीसी में प्लायोसीन काल था, प्लायोसीन काल था, प्लायोसीन काल, और प्लायोसीन काल के बाद आता है आपका दोस्तों होलोसीन, होलोसीन आपको मानव की उत्पत्ति में बताए थे होलोसीन। अब ये होलोसीन में क्या होता है, होलोसीन में जलवायु परिवर्तन होता है, कई बार पृथ्वी में जलवायु परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ पे होलोसीन काल में जब जलवायु परिवर्तन होता है, इस जलवायु परिवर्तन के कारण जो है कई सारे नदियों का निर्माण होता है, कई सारे नदियों का निर्माण होता है, और कई नदियों का निर्माण होने से नदी के द्वारा जो है मिट्टी का नवीन मिट्टी का निर्माण होता है, नदियों के निर्माण से यहाँ पे नवीन मिट्टी का निर्माण दिखाई देता है। और जब यहाँ पे नवीन मिट्टी का निर्माण होता है तो ये नवीन मिट्टी जो है के मतलब के नए नए वन्य जीव को देता है, यानी नए इस नवीन मिट्टी में नए नए वन्य जीव उत्पन्न लेता है, अब ये वनस्पति उत्पन्न लेता है, वनस्पति नए मिट्टी में वनस्पति होता है, और इस वनस्पति में नए प्रकार के वन्य जीव आते हैं, वन्य जीव आते हैं। अब यहाँ पे जो वन्य जीव दिखाई देता है दोस्तों, इस जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पे जो बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, इस कारण से इसको संक्रमण काल कहते हैं। इसमें ये हुआ कि जब यहाँ प्लायोसीन काल के बाद जब होलोसीन काल आया इस काल में, तो यहाँ जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो उसके कारण कई सारे नदियों का निर्माण हुआ, और उस नदियों ने नवीन मिट्टियों का निर्माण किया, और नवीन मिट्टियों में जो है कई सारे वनस्पति बना, जो मतलब हरी भरी घास हुई, नवीन मिट्टी का मिट्टी में जो है कि नवीन प्रकार के घास आया, और उस घास को खाने के लिए वन्य जीव उत्पन्न लेंगे, और वो वन्य जीव जो थे दोस्तों वो शाकाहारी वन्य जीव थे, वो शाकाहारी वन्य जीव थे, और ये शाकाहारी वन्य जीव ठीक है ये जो है कोई आक्रमक प्रकृति के नहीं थे, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस शाकाहारी वन्य जीव को मनुष्य क्या करेंगे, इसको जो है कि पालना स्टार्ट करेंगे, यही से जो है आपका पशुपालन की शुरुआत होती है, पशुपालन की शुरुआत होती है, और यहीं से पशुपालन की शुरुआत होती है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा पाला गया सबसे पहला जीव कौन सा था, कुत्ता था दोस्तों न, तो मनुष्य ने जो है अब धीरे धीरे इन शाकाहारी जीवों को जो आक्रमक नहीं था, जो मतलब कि हमला नहीं करता था, उसको पालना स्टार्ट किया, और यहीं से मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो है पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया, और वही पशुपालन दोस्तों भारत का जो है एक नई संस्कृति को जन्म देगा, नई कल्चर को जन्म देगा, उससे उत्पादन अधिशेष
होगा और वही जाकर के दोस्तों ये मध्य पाषाण काल में फिर यह जो है नव पाषाण काल में बड़ा परिवर्तन लाएगा यही पशुपालन। ठीक है, इसी पशुपालन से उत्पादन बढ़ेगा, कृषि करने लगेगा, तब हम लोग देखेंगे दोस्तों नव पाषाण काल में एक बड़ा परिवर्तन आता है। नव पाषाण काल के बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एक बड़ा नगर बसा लेता है मनुष्य, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं। तो देखें दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझना है, इतिहास को रचना नहीं है, ये सब फैक्ट है दोस्तों। फैक्ट तो भूल भी जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो कहीं भी इतिहास में दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी इतिहास में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे मनुष्य जो है पशुपालन की शुरुआत करता है। देखिए अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कॉन्सेप्ट है, कहीं दिक्कत नहीं है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत कब किया, तो मध्य पाषाण काल में, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल की ये विशेषता है दोस्तों कि यहाँ पे मनुष्य जो है पशुपालन की शुरुआत करती है, यहाँ पे जो है नई नई चीजों का, और क्या क्या होता है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं दोस्तों कि इसका खोज कहाँ हुआ, कैसे हम लोग जाने कि मतलब मनुष्य जो है ये लेयर जो है, जैसे आपको बताए थे, मान लीजिए एक स्थान पे हम खुदाई करवाए, एक स्थान पे खुदाई करवाए तो सबसे नीचे वाला आपका क्या मिला, मतलब कि ये निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उसके बाद आपका मध्य पाषाण काल आएगा, ये वाला मध्य पाषाण काल आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजिंग दिखाई देता है जो इतिहासकारों ने इस काल को विभाजित कर दिया। जैसे आपको बताया थे दोस्तों यहाँ के मनुष्य बड़े बड़े पत्थर के इस्तेमाल करते थे जिसको कोर कहते हैं ना, यानी कि टूटा हुआ भागों का बड़े भाग का इस्तेमाल करते हैं जिसको कोर कहते हैं। इसीलिए जो निम्न पूरा पाषाण काल, इसको कोर संस्कृति भी कहते हैं, उसमें हैंडएक्स मिला था आपका, हैंडएक्स संस्कृति भी कहते हैं, चॉपर चॉपिंग मिला था, चॉपर चॉपिंग संस्कृति कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि उसके बाद जो है वो मनुष्य फलक का इस्तेमाल करने लगता है, यानी उससे छोटा पत्थर का इस्तेमाल किया था उसको फलक संस्कृति कहते हैं। उसके बाद निम्न पूरा पाषाण काल में भी दिखाई देता है दोस्तों कि यहाँ पे मनुष्य ने ब्लेड प्रकार की पत्थर का इस्तेमाल किया, उसको ब्लेड संस्कृति कहते हैं। और उसके बाद ऊपर वाला लेयर में दोस्तों मनुष्य ने जो है आप बड़ा पत्थर को छोड़ करके आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे सूक्ष्म पत्थर को इस्तेमाल कर रहा है, एकदम छोटा छोटा, मतलब कि एकदम छोटा छोटा सूक्ष्म प्रकार का जो पत्थर प्राप्त हुआ है दोस्तों, छोटा छोटा पत्थर, उसका आकार जो है 1/2, 3/4 इस आकार में मिला है। तो इसमें ये चेंजिंग दिखाई देता है, यानी कि इस लेयर के बाद इस लेयर में सूक्ष्म प्रकार के पत्थर का उसमें उपयोग दिखाई देता है, इसीलिए इतिहासकार ने इसको विभाजित कर दिया है। इसीलिए इसकी विशेषता है दोस्तों कि यहाँ पे सूक्ष्म प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल होगा। और कई सारे मनुष्य अब विकास कर गए थे, इससे पहले हम लोग देखे कि मनुष्य जो है धार्मिक प्रवृत्ति को अपना रहा है, यहाँ पे भी उसका जो है कि बड़ी मात्रा में प्रमाण मिलता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं अब। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, थोड़ा तबियत गड़बड़ है इसीलिए आवाज थोड़ा सा ऐसा हो गया है, आप लोग टेंशन न लें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर। अब इसको हम लोग संक्रमण काल भी कहते हैं, इसको हम लोग मतलब अर्ध नव पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि नव पाषाण काल की कुछ विशेषता यहाँ पे हमको दिखाई देता है। लेकिन तो जो है ये सूक्ष्म, जो हम बोले दोस्तों कि उसके ऊपर वाला लेयर में सूक्ष्म पत्थर का इस्तेमाल, तो सूक्ष्म पत्थर का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ खोजा गया, तो इस तो यहाँ ध्यान में रखिएगा दोस्तों की जो मध्य पाषाण काल है इसका जो खोज करता है वो है सीएल कार्लाइल, सीएल कार्लाइल, कार्लाइल ने जो है सीएल कार्लाइल सीएल कार्लाइल है दोस्तों, इन्होंने सीएल कार्लाइल ने, ठीक है, जब खुदाई करवाया सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में ये विंध्य क्षेत्रों में, ठीक है, विंध्य क्षेत्रों में सीएल कार्लाइल ने जब खुदाई करवाया तो वहां से उनको सबसे पहली बार सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुआ। जब वो उपकरण का जो रिसर्च किया गया तब वो देखा कि अभी तक जो मनुष्य ने पत्थर का इस्तेमाल किया है या उपकरण का इस्तेमाल किया है वो बड़ा बड़ा था, लेकिन यहाँ उसको छोटा दिखाई दिया और उसका ऊपरी लेयर में दिखाई दिया, इसीलिए इतिहास को विभाजित कर दिया उन्होंने, इसीलिए तो मध्य पाषाण काल को विभाजित किया। तो इसीलिए इसका खोजकर्ता कौन हो जाएगा दोस्तों, सीएल कार्लाइल, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार ये मतलब विंध्य क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे इन्होंने सीएल कार्लाइल ने खुदाई करवा करके, ठीक है, इसका खोज किया, सूक्ष्म जो है कि मतलब इसका खोज किया, सूक्ष्म आकार के
मतलब उपकरण का खोज किया और उसका आकार जो है दोस्तों छोटा छोटा है, वो आपको दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसका आकार छोटा है और वो तीर धनुष टाइप का भी बना हुआ है, हड्डी का जो बारीकी से उसको गढ़ा गया है, उसमें चमक चमक मतलब कि चकमक पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया, वो चमकता है। अभी आपको सारा कौन कौन सा पत्थर में भी चेंजिंग आता है वो भी दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए अब इसमें जो है सीएल कार्लाइल ने जब खोजा तो उस पत्थर का जो आकार है वो 1/2 है, वो 1/2 है, उसके बाद 2/3 है और 1/4 के आकार में इंच है ये दोस्तों। आप सोचिए 1/2 इंच यानी हाफ इंच का मतलब कि वो मतलब कि उपकरण का इस्तेमाल करता है, यहाँ पत्थरों को बारीकी बना देता है, बारीकी से वो इस्तेमाल करता है। यहाँ पे जो हड्डी है उसको बारीकी से इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, ठीक है, जब आप इसमें देखेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है इस काल को विभाजित किया गया, इसकी मुख्य विशेषता है। और यहाँ ये ध्यान में रखेगा यहाँ जो मतलब उपकरण मिले हैं ये इंच में जो है 1/2 इंच, 2/3 इंच, 1/4 इंच, इस छोटे छोटे बारीकी पत्थर मिला है दोस्तों इस काल का, ठीक है। चलिए उसके बाद, हाँ ये जो पत्थर की आकृति है ये त्रिभुजाकार है, ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, ये वर्गाकार है, ये वर्गाकार है, यानी कि कुल रूप से देखा जाए दोस्तों तो ये ज्यामिति आकार का है। गणित में आप लोग ज्यामिति पढ़ते हैं, ये ज्यामिति आकार का मिला है, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, ये सब मिला है, ठीक है। अर्धचंद्राकार यानी कुल रूप से देखा जाए तो ये ज्यामिति आकार का, इसमें जो है अगर कुल रूप से देखा जाए तो ये ज्यामिति आकार का जो है ये उपकरण दिखाई देता है। तो इसका ये भी एक विशेषता है दोस्तों कि यहाँ पे मनुष्य ने ज्यामिति आकार के उपकरण का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया, जो बारीकी था छोटा था, ठीक है, ये इसकी। हाँ, जो अभी तक जो वो पत्थर का इस्तेमाल करता था दोस्तों इस उपकरण को बनाने में, वो आपको पिछले में चर्चा भी किए थे, इसमें थोड़ा चर्चा कर देते हैं। जो अभी तक वो उपकरण का इस्तेमाल करते थे वो आपको बताए थे कि क्वार्ट्जाइट पत्थर थे, वो क्वार्ट्जाइट थे, फ्लिंट था, जैस्पर था, ये सब इस्तेमाल करते थे, लेकिन चर्ट था। लेकिन इस काल में जो पत्थर का इस्तेमाल किया है वो जो है कार्लिनियन पत्थर है, वो जो है कार्लिनियन है, कार्लिनियन पत्थर है। उसके बाद यहाँ पे स्फिटिक है, आर्गेट है, स्फिटिक है, आर्गेट है, आर्गेट है। और सबसे ज्यादा जो इस काल में मतलब कि पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो कैल्सीडोनी है, कैल्सीडोनी, कैल्सीडोनी, ये इस पत्थर का इस्तेमाल मध्य पाषाण काल में सबसे ज्यादा दिखाई देता है दोस्तों, कैल्सीडोनी प्रकार के पत्थर का, ये ध्यान में, इसका मतलब कि सबसे ज्यादा उपयोग दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो मतलब कि उपकरण मिले हैं दोस्तों ये छोटा छोटा उपकरण है, एक सेकेंड दोस्तों, चलिए हाँ थोड़ा तबियत गड़बड़ है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग अब मतलब बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे यहाँ पे आपका कैल्सीडोनी है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद कैल्सीडोनी उपकरण का मतलब कि ये पत्थर का उपकरण ज्यादा बनाया गया, और इस काल में जो मतलब कि वो औजार दिखाई देते हैं, इनका उपकरण दिखाई देते हैं, वो ऐसा बनाया गया बारीकी से कि उसको फेंक करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब उसको फेंक करके इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों इसका मतलब वो प्रक्षेपास्त्र बना लिया है, प्रक्षेपास्त्र भी उसको कह सकते हैं, जब उसको फेंक करके इस्तेमाल किया जाएगा तो यहाँ ये भी ध्यान में रखते हैं दोस्तों इस काल में वो प्रक्षेपास्त्र का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे तीर धनुष का भी प्रमाण दिखाई देता है दोस्तों, जो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा था, ये तीर धनुष का भी प्रमाण दिखाई देता है यहाँ पे। इसका मतलब अब उसको जानवर का शिकार करने में आसानी होता होगा क्योंकि वो बौद्धिक हो गया था। और इससे पहले आपको बताए थे दोस्तों कि उच्च पुरापाषाण काल में ही मनुष्य होमोसेपियंस मानव का पदार्पण हो गया था, और ये होमोसेपियंस मानव मानव का मनुष्य का निकटतम आदि मतलब पूर्वज है, निकटतम पूर्वज है, उसको वो बौद्धिक मानव था, वो बौद्धिक मानव था। तो इसीलिए यहाँ पे मनुष्य बौद्धिक हो चुका है, उनको हर चीज का ज्ञान हो चुका है, इसीलिए वो अब तीर धनुष का इस्तेमाल करने लगे ताकि उनको जानवर का शिकार करने में आसानी हो जाए। तो ये सब विशेषता है दोस्तों इस काल का जो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मनुष्य ने बारीकी से पत्थर का इस्तेमाल करने लगा, प्रक्षेपास्त्र का इस्तेमाल करने लगा था, सबसे ज्यादा कैल्सीडोनी पत्थर का इस्तेमाल करने लगा था, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ जलवायु परिवर्तन के कारण मनुष्य जो है यहाँ जब धरती पर पशु आ गया था, शाकाहारी
शाकाहारी पशु था वो उनको पशुपालन की शुरुआत कर दिया था, ये सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा मैप को इसीलिए नहीं मिटाए दोस्तों क्योंकि मैपिंग में आपको बताना है, तो मैप को देखेंगे दोस्तों कि कहां कहां से क्या क्या प्रमाण मिला है और एक एक करके मध्य पाषाण काल को बारीकी से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, कि कहां क्या प्रमाण मिला है क्या, ये बहुत मजा आएगा दोस्तों इस टॉपिक को जब आप पढ़िएगा मनुष्य के द्वारा किया गया क्रियाकलाप को, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, इस काल में। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, मनुष्य ने क्या हद तक विकास किया था इस काल में। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग दिखाई देता है, यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग दिखाई देता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो खोजा गया है दोस्तों इस काल को, मध्य पाषाण काल को, तो आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश में खोजा गया है सी.एल. कार्लाइल के द्वारा, तो उसको इसका जनक भी माना, मतलब पितामह माना जाता है उसको। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के पहले हम लोग पूरा स्थल देख लेते हैं दोस्तों और फिर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपका इलाहाबाद में मिला है, आपका प्रतापगढ़ में मिला है, आपका एक डिस्ट्रिक्ट है संत कबीर नगर में मिला है, उसके बाद आपका मिर्जापुर में मिला है। ये चार जगह है आपका यूपी में जहां से इसका प्रमाण मिला है। ये यूपी में आपका चार स्थान है दोस्तों, यूपी में चार स्थान है, चारों का अलग अलग स्थल भी है दोस्तों। एक तो आपका मिर्जापुर, इलाहाबाद बहुत प्रमुख स्थल है दोस्तों ये सब, उसके बाद प्रतापगढ़, और यहाँ पे एक जगह है दोस्तों संत कबीर नगर। इन सब का विशेषता भी अभी चर्चा करेंगे दोस्तों, इन सब का विशेषता क्या है। ठीक है, जैसे मिर्जापुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, इन सब का क्या विशेषता है, वहां कौन सा पूरा स्थल मिला है जो एग्जैक्ट है, वो तो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, उस डिस्ट्रिक्ट में एग्जैक्ट कहाँ पे मिला है, उन सब का भी चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले एक बार देख लेते, तो यूपी में ये है दोस्तों। ठीक है, एक एक करके अभी चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद आपका एमपी में भीमबेटका, दाइमाबाद, जो एमपी का क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट स्थल मिला है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपका भीमबेटका है, यहाँ पे आपका भीमबेटका है, सोम घाटी है, सोन घाटी के बाद आपका संगनकल्लू जलहल्ली कर्नाटक का देख लीजिए, यहाँ पे आपका PNT लिख देते हैं, यहाँ पे आपका संगनकल्लू है, यहाँ पे आपका जलहल्ली, यहाँ पे आपका सोरामपुर द्वाब है दोस्तों, यहाँ पे सोरामपुर द्वाब, ये कर्नाटक का पूरा स्थल है, ये सब कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक में ये पूरा स्थल मिला है। आंध्र प्रदेश में आपका कौन कौन सा स्थल मिला है, आंध्र प्रदेश में आपका है नागार्जुनकोंडा, यहाँ पे आपका दोस्तों गिदलूर, ये आंध्र प्रदेश में ये दोस्तों गिदलूर, और एक स्थल है यहाँ पे है आपका रेनीगुट्टा। ये सब आपको PDF में मिल जाएगा दोस्तों, सब PDF में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सब आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, आपका तमिलनाडु में एक स्थल है दोस्तों, यहाँ पे तमिलनाडु में है आपका तेरी, सब का विशेषता अभी बताते हैं दोस्तों क्या क्या विशेषता है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में बागोल दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है बागोल। ठीक है, यहाँ राजस्थान में है आपका बागोल, MP में था बागोल लेकिन यहाँ पे बागोल। ठीक है, बागोल, उसके बाद आपका राजस्थान हो गया दोस्तों, करना गुजरात में है दोस्तों लंगनाज, बहुत इम्पोर्टेंट स्थल है लंगनाज, ये गुजरात में है लंगनाज। ठीक है,
गुजरात में है आपका लंगनाज, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कहाँ। हाँ, एक बातें ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि मध्यपुरा पाषाण काल के एक ऐसा जगह है दोस्तों जहाँ एक भी पूरा स्थल नहीं मिला है, वो है आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों मध्यपुरा पाषाण काल का एक भी स्थल पूरा स्थल यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, यहाँ पे एक भी पूरा स्थल यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में यहाँ ध्यान में रखिएगा, मध्य पाषाण काल का एक भी पूरा स्थल जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके जो है इसका विशेषता को जानते हैं दोस्तों, क्या क्या देखेंगे यहाँ पे, किस तरह से मनुष्य चेंजिंग किया है, किस तरह से मनुष्य चेंजिंग। जैसे पहले हम लोग बागोल को देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है दोस्तों बागोल, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए दोस्तों थोड़ा परेशानी हो गया है। चलिए तो राजस्थान में बागोल में क्या विशेषता मिला है दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या खुदाई करके मिला है, ठीक है। बागोल में जो आपका बनास नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों, कोठारी नदी, ये बागोल जो है बनास की सहायक कोठारी नदी के किनारे है, बनास की सहायक कोठारी नदी है उसी के किनारे है दोस्तों, और यहीं पे खुदाई करके स्थल मिला है बागोल में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा पूरा स्थल प्राप्त हुआ है दोस्तों, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा पूरा स्थल ये बागोल से प्राप्त हुआ है। यहाँ से उत्खनन, यहाँ जो उत्खनन कार्य करवा रहे वो बीएन मिश्रा ने करवा रहे हैं, यहाँ पे बीएन मिश्रा ने उत्खनन कार्य करवा रहे हैं, बीएन मिश्रा, ठीक है, इन्होंने करवाए। यहाँ से जो है क्या क्या मिला है, यहाँ से स्तंभ गर्भ का प्रमाण मिला है, स्तंभ गर्भ का प्रमाण मिला है, ठीक है। यहाँ से स्तंभ गर्भ का प्रमाण मिला है, यहाँ पशुपालन का प्रमाण मिला है, ठीक है, यहाँ से पशुपालन का प्रमाण मिला है, यहाँ से जो है आपका मतलब भवन का निर्माण मिला है, भवन, ठीक है, यहाँ फर्श का निर्माण मिला है, फर्श का निर्माण किया हुआ है। अगर फर्श बना हुआ है दोस्तों, इसका मतलब है कि यहाँ पे भवन बना हुआ होगा, यहाँ भवन का मतलब है दोस्तों कि वो घास फूस का बना हुआ, घास फूस का, ठीक है, घास फूस का घर बना हुआ मिला है। यहाँ स्तंभ गर्त मिला है, स्तंभ गर्त मतलब जो पहले जो झोपड़ी बनता था दोस्तों, तो वो खंबा चार खंबा गाड़ करके ऊपर में फूस रख दिया जाता था, तो वो जो खंबा गाड़ा हुआ है तो उस खंबा का गाड़ा हुआ का निशान मिला, वही खंबा का स्तंभ मतलब खंबा, उसी का गर्त गाड़ा हुआ भाग मिला है दोस्तों, स्तंभ गर्त का। यहाँ से पशुपालन का प्रमाण मिला है, यहाँ फर्श, वो जो मतलब जहाँ वो लोग घर बनाया था दोस्तों, फर्श मिला है जो पलेन किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहाँ मनुष्य भवन का निर्माण कर लिया है। अगर मनुष्य भवन का निर्माण कर दिया दोस्तों, इसका मतलब यह है कि वो समूह में रह रहा है, वो एक जगह समूह में रहने लगा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नए चेंजिंग दिखाई देता है, चेंजिंग ये दोस्तों, अगर वो समूह में रहता होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समूह का विकास कैसे दोस्तों, भाषा से होता है। अगर आपका आप किसी क्षेत्र में रहते हैं, आप दक्षिण भारत में रहते हैं तो वहाँ एक भाषा का समूह है, उत्तर भारत में जहाँ पे दिल्ली में रहते हैं वहाँ का भाषा अलग है, बिहार का कुछ क्षेत्रों का भाषा अलग है, ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग भाषा है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर मनुष्य समूह में रहने लगा है तो वो भाषा का विकास कर गया होगा ना। अगर यहाँ से इसका मतलब ये है दोस्तों, ये अगर समूह में यानी कि भाषा का विकास हुआ होगा तब ये समूह में रहा होगा, तब ये समूह में रहता होगा। और अगर मनुष्य समूह में रहने लगा दोस्तों, तो समूह से ही क्या बनता है दोस्तों, समाज बनता है, और यही समाज जाकर के नव पाषाण काल में जो है बड़ा समाज में बदल जाएगा, और नव पाषाण काल के बाद जो है सिंधु घाटी की सभ्यता एक बड़ा नगर का विकास हो जाएगा दोस्तों। यानी कि नव पाषाण काल का कुछ लक्षण हमको मध्य पाषाण काल में ही दिखाई देता है न, यानी कि यहाँ पे जो है फर्श का निर्माण, भवन का निर्माण, ये दिखा रहा है कि मनुष्य भाषा का विकास कहीं कहीं कर लिया होगा दोस्तों, क्योंकि किसी से बात करने के लिए, किसी के समूह में रहने के लिए एक भाषा का उपयोग करना जरूरी होता है दोस्तों न, जिसका मतलब यह है कि हाँ मनुष्य ने भाषा का विकास कर लिया होगा, भाषा बोलने लगा होगा कोई न कोई दोस्तों, ये साबित करता है, ठीक है। यहाँ से उसके बाद ये सारे प्रमाण यहाँ से दिखाई देता है दोस्तों। उसके बाद है आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट स्थल है इलाहाबाद में आपका चौपानी मांडो, ये सब आपका ध्यान में रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखते हैं चौपानी मांडो,
जो आपका इलाहाबाद में है। ये इलाहाबाद का ये वाला स्थल जो है दोस्तों, यहाँ पे इलाहाबाद में ही पड़ता है आपका चौपानी मंदिर, इलाहाबाद यहाँ पे है आपका चौपानी मांडो। अब देखिए ये जो आपका चौपानी मांडो है, यहाँ से क्या क्या, यहाँ पे जो उत्खनन कार्य विद्याधर मिश्र ने किया है, यहाँ पे जो उत्खनन कार्य है वो विद्याधर मिश्र ने किया है, यहाँ पे विद्याधर मिश्र ठीक है इसका उत्खनन कार्य करवाया है। और यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थल प्राप्त हुआ है दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे जो है 14 झोपड़ियां एक समूह में प्राप्त हुआ है, यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 14 झोपड़ियां जो है एक समूह में प्राप्त हुआ है। एक समूह में झोपड़ियां अगर प्राप्त हुआ है दोस्तों, इसका मतलब जो है इस समूह ने समाज का निर्माण कर दिया था, इस समूह ने समाज का निर्माण कर दिया था, यानी समाज बन चुका था दोस्तों। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अगर 14 झोपड़िया एक साथ मिलता है कि यहाँ पे समाज का निर्माण होने लगा है, मनुष्य समूह में रहने लगा है, मनुष्य भाषा का विकास कर लिया है, और ये समाज जो है, ये समूह जो है, ये समाज का निर्माण करेगा, यही समाज धीरे धीरे नगर की ओर बसेगा, और यही नगर को हम लोग देखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका मतलब है कि मनुष्य ने जो कर्म वाइज कर्म विकास किया है वो दिखने लगा है दोस्तों, और आज हम लोग चांद पे पहुंच गए दोस्तों, मंगल पे पहुंचने लगे हैं ठीक है, यानी कि ये मनुष्य ने जो इस चीजों की शुरुआत की थी, आज हम लोग चंद्रमा पे हैं, ये इसी समय की शुरुआत दिखाई जाता है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ठीक है। चलिए तो आयोग भी अगर आपको इतिहास मतलब की पढ़ने के लिए मजबूर करता है तो कहीं कहीं आपका अतीत के बारे में आपको बताना चाहता है, इसीलिए दोस्तों ये सिलेबस के रूप में इतिहास को रखा है। एक आईएएस बनने के लिए, एक पीसीएस अधिकारी बनने के लिए, एक दरोगा बनने के लिए, या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम आप देते हैं दोस्तों, तो आपको इतिहास आना चाहिए, क्योंकि इतिहास ही हमें अतीत के बारे में जानकारी देता है, और इतिहास ही है जो विज्ञान को, समाज को, अर्थव्यवस्था को, हर चीज को समेटे हुए, यानी एक विज्ञान का कोष है ये इतिहास ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ से 14 झोपड़िया मिली है ठीक है, उसके बाद यहाँ से चौपानी मांडो से विश्व का सबसे प्राचीनतम जो है यहाँ से मृदभांड प्राप्त हुआ है, मृदभांड, और ये मृदभांड दोस्तों, मृदभांड मतलब मिट्टी का घड़ा प्राप्त हुआ, विश्व का सबसे प्राचीन मृदभांड ठीक है। आप लोग मृदभांड जानते होंगे दोस्तों, इस तरह से जो आकार का बना हुआ रहता है, इसी तरह से बनता है ये मृदभांड ठीक है, इस तरह से रहता है ठीक है, इसी तरह से मृदभांड रहता है, मिट्टी का भांड मिला है दोस्तों यहाँ से, जो विश्व का प्राचीनतम है इलाहाबाद से ठीक है। यहाँ से जंगली धान का भी प्रमाण मिला है दोस्तों, इलाहाबाद से यहाँ से जंगली धान का प्रमाण मिला है, जंगली धान का प्रमाण मिला है, ये आपका इलाहाबाद का प्रमुख विशेषता है दोस्तों, इलाहाबाद में जो खुदाई स्थल किया गया ये चौपानी मांडो का ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे आगे देखते हैं, उसके बाद है दोस्तों आपका लहुरा देवा, ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, यहाँ पे यही पे है आपका लहुरा देवा, लहुरा देवा ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में ये लहुरा देवा स्थल है दोस्तों, वहां जो खुदाई करवाया गया है लहुरा देवा, यहाँ विश्व का सबसे प्राचीनतम धान का प्रमाण मिला है, वो लगभग लगभग 9000 से 8000 बीसी पुराना है, यहाँ से विश्व का प्राचीनतम धान का प्रमाण मिला है, धान का प्रमाण मिला है जो 9000 से लगभग लगभग 8000 बीसी पुराना बताया जा रहा है, कि आज से लगभग मनुष्य ने 8 से 9000 साल पीछे जो है धान का इस्तेमाल करने लगा था, धान उपजाने लगा था ठीक है। ये लहुरा देवा की खासियत है दोस्तों ठीक है। उसके बाद है आपका सराय नहरवा, जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिला है आपका, यहाँ पे है आपका सराय नहरवा है, सराय नहर राय, इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, यहाँ से क्या प्रमाण मिला है सराय नहर राय से, यहाँ जो है 14 सवा धान एक साथ मिले दोस्तों, देखिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे 14 सवा धान मिला है, 14 सावधान मिला है, कहां से, सराय नहर राय से, 14 सावधान का मतलब होता है दोस्तों कब्र, यानी कि एक साथ 14 मनुष्य को दफनाने का प्रमाण मिला, यानी 14 कब्र मिला है एक ही स्थान पे, एक स्थान पे 14 कब्र मिला है, और ये पूरब से पश्चिम है दोस्तों, ये जो है आपका पूरब से पश्चिम है ये 14 कब्र, इसका मतलब ये है दोस्तों कि मनुष्य जो दिखाई दे रहा है कि मनुष्य जो है आत्मा की अमरता में विश्वास कर रहा है, मनुष्य काल्पनिक चीजों पर विश्वास करने लगा है, कहीं कहीं वो मानता है कि आत्मा अमर है,
ये हमारा पंचतत्व से बना शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा जो है फिर नए जीवों में यानी नए शरीर में प्रवेश करता है। ये चीजें कहीं कहीं उस मनुष्य में आ गया होगा दोस्तों, तभी तो वो मनुष्य को दफना रहा है, तभी तो इसका मतलब काल्पनिक चीजें दिखाई दे रहा है दोस्तों। अभी इसमें और कुछ चेंजिंग दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे तो 14 समाधान मिला है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे 4 शव एक स्थल ऐसे हैं जिसमें 4 शव को एक साथ दफनाया गया है, जिसमें 4 शव को एक साथ दफनाया गया। अगर वो 4 शव को एक साथ दफनाए तो दोस्तों ठीक है, कहीं कहीं इनका जो है कुछ न कुछ काल्पनिक बातें रहा होगा इनके लिए, हालांकि इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं ठीक है। यहाँ से 8 गर्त चूल्हे का प्रमाण मिलता है, गर्त चूल्हे का प्रमाण मिलता है, 8 गर्त चूल्हे। गर्त चूल्हे दोस्तों भाई मिट्टी खोद करके जो चूल्हा बनाया जाता है मिट्टी में, हम लोग हम मतलब घर में जो चूल्हा रहता है दोस्तों गाँव में, वो चूल्हा जो गर्त बना करके उसमें खाना बनता है, अभी भी समाज में वैसा ही चूल्हा होता है दोस्तों हम लोगों के गाँव में भी ठीक है। तो वो चूल्हा का प्रमाण मिला है यहाँ से, 8 गर्त चूल्हे का प्रमाण मिला है ठीक है। उसके बाद एक सामुदायिक चूल्हा मिला है दोस्तों, एक सामुदायिक चूल्हा मिला है, सामुदायिक चूल्हा मिला है। अगर यहाँ पे सामुदायिक चूल्हा मिल रहा है दोस्तों, इसका मतलब लोग समूह में एक परिवार, जैसे हमारा जो परिवार होता था दोस्तों पहले एक साथ एक परिवार सब मिलकर के एक ही चूल्हा में खाना बनता था, 3-4 चूल्हा जोड़ करके एक ही साथ उसमें सारा परिवार का खाना बनता। आज हमारा समाज बदल चुका है दोस्तों, अब सब लोग अपने मतलब ही हो चुके हैं। समाज का देखें दोस्तों, समाज का तो विकास हो रहा है, हम लोग 5G 6G इस्तेमाल करने लगे दोस्तों, लेकिन वास्तविक में जो परिवार है दोस्तों, परिवार से लोग बिछड़ने लगे हैं, सब लोग जो है कि पैसे के पीछे भागने लगे दोस्तों, सब अपने अपने मतलब के मतलब पैसे का अर्थ करने में लगे हुए हैं, परिवार फैमिली ये सब से दूर होने लगे दोस्तों। हम लोग विकास तो कर रहे हैं लेकिन हम लोगों की जो फैमिली है इससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं। तो उसका परिमाण जो 8 सामुदायिक चूल्हा एक साथ जो मिला है, सॉरी एक साथ जो सामुदायिक चूल्हा मिला है, इसका मतलब ये प्रमाण देता है कि सभी परिवार के लोग एक जगह खाना बनाते होंगे ना, ये है। उसके बाद हाँ यहाँ पे एक नई चीजें भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो है कि मतलब कुछ जो मतलब हड्डियां जो मिली है उसमें कटमार का प्रमाण मिला है। कटमार का मतलब यह है उसके पीठ में तीर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर आक्रमण यानी प्रतिस्पर्धा दिख रहा है, यहाँ आक्रमण का प्रमाण मिलता है, यहाँ पे आक्रमण का प्रमाण मिलता है, आक्रमण का प्रमाण मिला है। इसका मतलब यह है कि कहीं कहीं उत्पादन प्रक्रिया अधिक हो गया होगा, और जब पैसा बढ़ता है समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ता है, अधिशेष उत्पादन ही प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है दोस्तों, तब तो एक देश दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा करने लगता है, एक दूसरे लोगों से प्रतिस्पर्धा कब करता है, जब समाज में पूंजी का विकास होता है, अधिक अधिशेष उत्पादन होता है, तब व्यापारीकरण को जन्म देता है, वही व्यापारीकरण प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है, वही प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से आपस में लड़ाने का काम करता है। तो यही यहाँ पे आक्रमण का प्रमाण, कई सारे जो वहाँ पे जो अवशेष मिले हैं जो मनुष्य के कंकाल मिले उसमें तीर लगा हुआ है पीठ में, इसका मतलब है कि उसमें आक्रमण का प्रमाण दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रहा है यहाँ पे ठीक है। उसके बाद हाँ यहाँ पे एक दंत रोग का भी प्रमाण मिला है, दंत रोग जो एक कंकाल मिला है उसमें दांत सड़ा हुआ मिला है, और ये मतलब बता रहा है कि कहीं कहीं दंत रोग है उसको, कहीं कहीं इसका मतलब उस समय दोस्तों दंत रोग होता था जब मनुष्य नरभक्षी था, शाकाहारी हो चुका था न, उस समय भी दिखाई देता है। ये आपका मतलब की विशेषता है कहाँ का, तो संत कबीर नगर के सराय नहर राय का ठीक है। चलिए अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपका मर्दहा का जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, प्रतापगढ़ में एक स्थल है मर्दहा ठीक है, यहाँ पे मर्दहा ये प्रतापगढ़ में ही है दोस्तों, ये जो आपका प्रतापगढ़ है यही पे आपका है मर्दहा ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रमाण मिला है मर्दहा में ठीक है, यहाँ जो है आभूषण का प्रमाण मिला है, यहाँ पे जो मतलब लाश मिला है उसको दफनाया जो गया है उसमें आभूषण का प्रमाण मिला है। अब देखिए यहाँ से अगर आभूषण का प्रमाण मिलता है, ये अमीरी और गरीबी की संकल्पना को जन्म दे रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि कुछ सब पर जो है गले में जो है कि वो मनका जो होता है वो मिला है, अंगूठी मिला है यहाँ पे जो है गले की मनका, यहाँ से अंगूठी और वो आपका कर्णफूल ये प्रमाण मिला है। इसका मतलब ये अमीरी और गरीबी की संकल्पना को जन्म दे रहा है, यानी कि कुछ लाश में जो है कुछ मतलब कि अवशेष में जो है सिंपल तरीके से दफनाया गया है, जबकि कुछ में जो है मतलब मनका मिल रहा है, पत्थर का, चकमक पत्थर का, कुछ में मिट्टी का बना हुआ, इसका मतलब ये है कोई मिट्टी का पहना है कोई पत्थर का पहना है, इसका मतलब ये अमीरी और गरीबी की संकल्पना को जन्म दे रहा है, यानी कहीं कहीं समाज में प्रतिस्पर्धा होने लगा था दोस्तों।
मनुष्य उतना विकास कर गया था। चलिए उसके बाद है दोस्तों आपका यहां से जो है यहां से आपका हाँ एक यहाँ पे युगल समाधान भी मिला है। युगल समाधान का मतलब दोस्तों युगल समाधान का मतलब है कि यहाँ पे एक साथ में पति पत्नी दोनों को यानी एक साथ दो लाश दफनाने का प्रमाण मिला है। एक साथ में दो लाश को दफनाने का प्रमाण मिला है, युगल समाधान उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी गर्द चूल्हे का प्रमाण मिला है, यहाँ से भी गर्द चूल्हे का प्रमाण मिला है, गर्द चूल्हे का प्रमाण मिला है महाराव से। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक चीज और दोस्तों, यहाँ से बूचड़ खाने का भी प्रमाण मिला है, यहाँ से बूचड़ खाने का भी प्रमाण मिला है। बूचड़ खाने का मतलब यह है दोस्तों कि वहां पे एक स्थान में बहुत सारा हड्डियां मिला है, यानी कि वहां पे जो मतलब जिसको हम लोग कसाई कहते हैं दोस्तों, जो मतलब खस्सी बकरी को काटता है, यानी वहां पे व्यापारी लोग रहते थे और खस्सी बकरी का जो भी जानवर रहा होगा दोस्तों उसका व्यापारी लोग रहते होंगे, वहां से बूचड़ खाने का प्रमाण मिला है, ये आपका मदहा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका यहीं पे दमदमा। ठीक है, वहीं पे है आपका दमदमा। चलिए हाँ, प्रतापगढ़ में ही आपका एक स्थल है, यहाँ पे है आपका मदहा, यहीं पे आपका दमदमा, दमदमा। तो अब हम लोग दमदमा के बारे में देखते हैं दोस्तों, दमदमा। ठीक है, दमदमा यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिला है, यहाँ से 41 समाधान पाए गए हैं, यानी 41 सौ पाया गया है, यहाँ पे 41 समाधान पाए गए हैं। और इस 41 समाधान में ठीक है जो इसमें जो है 41 समाधान में 5 युगल समाधान पाए गए हैं, 35 एकल, 5 युगल समाधान यानी एक साथ दो दफनाने का प्रावधान, 5 युगल समाधान और 35 एकल मिला है, 35 एकल समाधान मिला है। ठीक है, 35 एकल यहाँ से हाथी दांत का पेटेंट, वो जो बना हुआ है दोस्तों पेटेंट, ठीक है, हाथी दांत का पेटेंट मिला है, हाथी दांत का पेटेंट यहीं से प्राप्त हुआ है, हाथी दांत का पेटेंट। ठीक है, उसके बाद हाँ यहाँ से जो है त्रिक समाधान भी मिला है, एक यहाँ पे त्रिक समाधान भी मिला है। त्रिक समाधान का मतलब दोस्तों, त्रिक समाधान का मतलब यह है कि एक साथ तीन व्यक्तियों को दफनाया गया है, एक साथ तीन व्यक्तियों को दफनाने का प्रमाण मिला है। अब देखिए दोस्तों, कहीं कहीं मनुष्य जो है अब ईश्वर की शक्ति पर, काल्पनिक शक्ति पर कहीं कहीं रूढ़िवादी होने लगा होगा, कहीं कहीं अमीरी गरीबी की संकल्पना को, समाज का जो स्वरूप है ये संस्कृति को जन्म दे रहा है दोस्तों। ये समाधान, ये संस्कृति है जो आज भी हमारे समाज में जिंदा है, यही संस्कृति जो आज भी हम लोग इस चीज को मतलब फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। कहीं कहीं इसका जो है शुरुआत उसी समय से हुआ है और वहां से आज भी हम लोग जो है कुछ लोग दफनाते हैं, अलग अलग धर्म के अलग अलग मतलब की क्रियाकलाप है दोस्तों। कहीं कहीं उस संस्कृति को जो शुरुआत किया है इसी मानव ने किया था दोस्तों, जो आज भी ये क्रम वाइज करो तो इतिहास में हम लोग कहते हैं दोस्तों कि इतिहास किसे कहते हैं, मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों का क्रमबद्ध और तिथिवत अध्ययन करना ही इतिहास कहते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ तिथिवार और क्रमबद्ध तरीके से, मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से विकास करते गए और उसी विकास को हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें रटना कहाँ है, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, यानी जो पहले हुआ उसको पहले, जो बाद में हुआ उसको बाद में पढ़ रहा है, यानी उसमें रटना कहाँ है, बस कॉन्सेप्ट है। चलिए दमदमा, उसके बाद आपका भीमबेटका, एमपी है आपका दोस्तों, यहाँ पे भीमबेटका है। भीमबेटका में यहाँ से जो है ठीक है, इसका खोज जो है विष्णुधर वाकनाकर ने किया है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, विष्णुधर वाकनाकर ने इसका खोज किया है। और यहाँ पे इसका जो खोज है दोस्तों 1957 में किया है, यानी कि हमारे देश की आजादी के बाद 1957 में, ये भीमबेटका एमपी में है दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा। और यहाँ से 642 गुफा मिला है, यहाँ से जो है 642 गुफा मिला है, जिसमें से 400 गुफा में चित्रकारी का प्रमाण मिला है, 400 गुफा में चित्रकारी मिला है। एक अजीब तरीके से चित्रकारी दिखाई देता है दोस्तों, आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर में इस चित्रकारी के बारे में बारीकी से बताएंगे,
सोचिए दोस्तों उस समय बारीकी से जो उस समय जो चित्रकारी किया गया पाषाण काल में वो आज भी है। उस समय जो मतलब के वो जो मतलब जो पेंट तैयार किया जाता था उसमें जो है खड़िया मिट्टी के लिए खड़िया मिट्टी को मिला करके चर्बी को मिला करके काला रंग के लिए कोयला को मिला करके और एक पत्ता हिरौजी का पत्ता होता था दोस्तों, हिरौजी का पत्ता से हरा रंग तैयार किया जाता था और उस रंग को यह प्राकृतिक रंग होता था और उससे जो आज पेंटिंग किया है गुफाओं में उस मतलब पहाड़ों में वो आज भी है दोस्तों। अजीब है ये जो 5000 साल हो गया लगभग दोस्तों, आप सोच सकते हैं पाषाण काल का है जो 5000 BC है पुराना है, यानी आज से लगभग लगभग दोस्तों 2000 साल इधर हो गया आपका, उधर लगभग 4 से 5 हजार यानी 6-7 हजार साल पहले बनाया गया है वो आज भी है। सोचिए उसका क्या उस मतलब कि रंग में मतलब थोड़ा सा भी मतलब ये नहीं दोस्तों, हल्का सा उसमें चटक आया है, उसको अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया है दोस्तों, वो सब आगे चर्चा करेंगे आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है यहाँ पे, ठीक है यहाँ उच्च पूरा पाषाण काल के जो लेकर के मध्य काल तक यहाँ पे जो मतलब चित्रकारी मिला है दोस्तों भीमबेटका में, यहाँ उच्च पूरा पाषाण काल से लेकर के ये आपका उच्च पूरा पाषाण काल, यहाँ से लेकर के इतिहास का मध्य काल, मध्य काल मतलब मुगल का काल तक, मध्य काल तक मिला है, यानी कुछ मुगलों ने भी उसमें चित्रकारी किया है। ठीक है जो मुगल शासक हुए वहां के मुगल शासक ने भी दोस्तों इसमें अधिक ध्यान दिया है, जैसे कि देखते हैं हम लोग ताजमहल आपका कई सारे लाल किला आगरा का किला बहुत सारे किला हुआ आपका ये मुगल शासकों ने भी बनाया है जो हमारे देश का धरोहर है ये। ठीक है तो हाँ तो उन लोगों का भी यहाँ पे योगदान था दोस्तों। चलिए उसके बाद हाँ यहाँ एक समकक्ष गुफा मिला है दोस्तों जिसमें माना जाता है कि नाटक यहीं से प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे एक जो गुफा मिला है वो समकक्ष गुफा है और इसमें माना जाता है कि इसमें नाटक किया जाता था और नाटक की शुरुआत यहीं से माना जाता है उसी समकक्ष गुफा से, यहाँ एक गुफा मिला है। ठीक है और यहाँ से गणेश का चित्र वराह का चित्र वहां से जो है मतलब भीमबेटका से गणेश का चित्र वराह का चित्र ये सब चित्रकारी भी मिला है दोस्तों, वो उन चित्रकारी के बारे में आगे बताएंगे दोस्तों। उसके बाद एक स्थान है दोस्तों आपका लेखहियां, चलिए अब आगे पढ़ते हैं लेखहियां के बारे में। लेखहियां अब देखिए दोस्तों लेखहियां, ठीक है इसका क्या जो आपका मिर्जापुर में पड़ता है दोस्तों। ठीक है मिर्जापुर में पड़ता है, यहाँ पे आपका मिर्जापुर में एक स्थल है लेखहियां। यहाँ से क्या विशेषता है दोस्तों इसका लेखहियां का, ठीक है इसका उस उत्खनन विद्याधर मिश्र ने किया है इनका भी। ठीक है यहाँ से 17 कंकाल पाए गए, 17 मतलब कि 17 समाधान पाए गए लेखहियां से, ध्यान में रखिएगा। ठीक है यहाँ से 17 समाधान पाए गए, ठीक है यानी कंकाल मिले हैं वहां से। उसके बाद है दोस्तों आपका बगही खोज, ठीक है मुरहना पहाड़, ठीक है जिसका ये सब ज्यादा मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है एक स्थान के बारे में बता दे जो गुजरात में है आपका, यहाँ पे लंघनाज, गुजरात में जो है आपका लंघनाज, ठीक है ये गुजरात में है आपका लंघनाज। यहाँ का उत्खनन जो है दोस्तों HD संकालिया महोदय ने किया है, उसके बाद बी सुब्बा राव ने किया है, KUR कैनेडी ने किया है। यहाँ पे 14 मानव कंकाल पाए गए, यहाँ पे 14 मानव कंकाल पाए गए हैं, 14 मानव कंकाल पाए गए यहाँ से। ठीक है इसमें कुछ मुड़े हुए दिखाई देते और इसमें ये चीजें ये है दोस्तों, इसमें जो मतलब कि समाधान है उसमें कुछ ऐसे समाज जिसको मोड़ के रखा गया, जैसे कि मनुष्य को दफनाया है तो उसको मोड़ दिया गया है। अब ऐसा उन लोगों ने क्या क्यों किया था दोस्तों अब ये तो पता नहीं, लेकिन उसको इतिहासकार अभी उन पे विवाद कर रहे हैं, लेकिन उसको मोड़ दिया गया है, हो सकता है कि उन लोगों का कुछ परंपरा रहा होगा ऐसा। ठीक है और इसमें एक चीज है दोस्तों, यहाँ पे जो है ना तांबा का चाकू भी मिला है एक जगह, यही लंघनाज से तांबे की चाकू। अब सोचिए दोस्तों इसका मतलब है कि मनुष्य ने यहाँ पे तांबा का खोज कर दिया था, और इसी में आपको दिखाएंगे दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते ताम्र पाषाण काल, यही नव पाषाण काल में जो देखते हैं उसके बाद हम लोग यानी पाषाण काल को ताम्र काल पाषाण काल तो ताम्र यहीं पे तांबा का मतलब प्रमाण मिलता है दोस्तों। ठीक है तो देखिए ये आपका पूरा स्थल था, उनके विशेषता था कहाँ से क्या मिला है,
ठीक है। अब आज में थोड़ा ये रहा होगा दोस्तों, तबीयत खराब है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये आपका मध्य पाषाण काल खत्म हो गया, आगे हम लोग नव पाषाण काल पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, नव पाषाण काल पढ़ेंगे। आप लोगों की रेगुलरिटी बनी रहे इसीलिए क्लास देना पड़ा, नहीं तो सर नहीं तो वो नहीं देते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, तो हम लोग फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, आप लोग दोस्तों बारीकी से इसको मेहनत कीजिए, इसका नोट्स को लिखिए, टेलीग्राम में आप लोग मतलब कि जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे और वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा, प्रतिदिन क्लास कीजिए दोस्तों, ठीक है। और हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, सारा क्लास मिलेगा आपको, और आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर हम लोग कल बात करते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को मतलब थैंक यू।